नमस्कार, मैं तनु बौद्ध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां आज 26 मई को एडवोकेट कपिल बोस जी को भारतीय मानवाधिकार संगठन उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही जन जागरूकता अभियान भी किया गया। तदुपरांत उनके निजी निवास सेक्टर 1 पर कैंप कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। कैंप कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय डॉक्टर साक्षी वैगन सदस्य राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर नरेश पारस मोहित कुमार जी ने किया। समाज सेवी कुमार सुंदरम कुमार पुष्कर शाही जी लाखन जी संजय जी देवेंद्र जी दीपू जी राकेश जी अवराज जी एडिटर जी क्राइम भूमि श्री तपन्दे जी शिवशंकर झा जिला अध्यक्ष युवा शाखा एडवोकेट संजीव मिश्रा एडवोकेट प्रदीप शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मानवाधिकार संगठन के विषय पर जन जागरूक अभियान चलाया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की फास्ट रिपोर्ट। कि आप भाजपा से हैं, कोई सपा से है, कोई कांग्रेस से है, कोई बसपा से है। हम सभी को ये बताते हैं कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, जो जात पात बिरादरी धर्म राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ जनता के अधिकारों के लिए लड़ता है। राजनीतिक संगठन तमाम है आज हमारे भारत देश के अंदर, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, या उसके अनेक प्रकार के और भी कई संगठन है, जैसे कि हिंदू सेना है, हिंदू युवा वाहिनी है, ईसाई धर्म से जुड़े हुए कई ऐसे संगठन है। पर हर संगठन के ऊपर कहीं ना कहीं एक टैग लगा रहता है। हिंदू युवा वाहिनी है तो वो हिंदुओं के लिए काम करती है, ईसाई धर्म है वो ईसाइयों के लिए काम करता है, कोई मुस्लिम धर्म है तो वो मुस्लिमों के लिए काम करता है। पर अकेला इस पूरे भारत देश के अंदर ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, ये अकेला एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ मानव अधिकार के लिए काम करता है। हमारा किसी की जाति बिरादरी धर्म राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ उस चीज से काम करते हैं कि जहां हमें नजर आता है जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा संगठन वहां खड़ा होकर उनके अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करता है। इस मंच के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संपूर्ण भारत देश के अंदर और विभिन्न राज्यों के अंदर, जैसे कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कलकत्ता, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों के अंदर हमारा संगठन भारतीय मानवाधिकार संगठन हर इतवार की भांति अलग अलग राज्यों के अंदर इसी प्रकार के जन जागरूकता अभियान चला रहा है। तकरीबन 50,000 लोगों को अभी तक हम अपने संगठन में पूरे भारत देश में जोड़ चुके हैं, जो लगातार इसी रूप से लगातार काम कर रहे हैं। ये पहली बार, ये पहला अवसर है, क्योंकि अभी तक हम जितनी बार भी हम लोगों ने कार्य किया, हमने सिर्फ और सिर्फ मलिन बस्तियों में जाके काम किया। ये कपिल बोस जी का ही एक इनकी कृपा समझे या इनका आशीर्वाद समझे कि आज हमें आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठने का अवसर प्रदान हुआ, आप लोगों के बीच में आने का अवसर हमें मिला कि हम लोग अपनी बात आप लोगों के समक्ष रख सके। मानवाधिकार, लोग कई बार हमसे पूछते भी हैं कि मानव अधिकार क्या है या हमारा कहां कहां पे अधिकार है, हम किसके लिए लड़ सकते हैं, किसके लिए नहीं लड़ सकते हैं। हमारा उत्तर सिर्फ एक ही होता है कि मानव अधिकार को हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एरिया है, एक वास्ट एरिया है काम करने के लिए। अगर मानव अधिकार को अगर हम राजनीति से कंपेयर करें तो एक जो विधायक होता है वो मात्र अपनी विधानसभा तक सीमित रहता है, या वो अपनी विधानसभा तक काम करता है या वो काम नहीं करना चाहता। एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहता है, या तो वो काम करना चाहता है अपने संसदीय क्षेत्र तक या वो नहीं कर सकता। पर अकेला ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, ये अकेला एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण भारत देश के हर राज्य के अंदर और हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, बाल विवाह हो, देह व्यापार हो, यौन शोषण हो, घूसखोरी हो, प्राथमिक विद्यालयों पे सर्वे करने का काम हो, इलीगल रूप से चल रहे शराब को ठेकों को बंद करवाने का काम हो। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हम लोग लगातार काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी सांसें कम पड़ जाती हैं, हमारी उम्र कम पड़ जाती है, पर जनता को उनको अधिकारों का जो सिलसिला है वो कभी थमता नहीं है। ये इतना बड़ा एरिया है काम करने के लिहाज से। अगर वाकई में कोई सदस्य तन मन धन से मानव अधिकार में आकर यहाँ पर जुड़कर काम करना चाहे तो ये इतना बड़ा एरिया है कि आपको खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम किसी के काम आ रहे हैं। मानवाधिकार, कई बार हमने ये देखा होगा कि माँ बाप अपने 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 बच्चों को कई बार बड़ी बेरहमी से भी पीटते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं, हम इनको मार भी सकते हैं, पर उनको हम ये बता दें कि बच्चे जरूर उनके हैं, पर उनके बच्चे होने से पहले वो राष्ट्र की संपत्ति है। इसे बच्चों को मारने का अधिकार इतना माँ बाप का नहीं रहता, क्योंकि
क्योंकि उनको मानना पड़ेगा कि वो पहले देश की संपत्ति है। हमारे घरों के अंदर या आप लोगों के घर के अंदर भी मेड काम करते हैं, या जाने मेरे कहने का मतलब है जो कि घरेलू कामगार होते हैं, जो काम करते हैं, हम उनके भी अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। और उसी के संदर्भ में हमारे संघ एक स्पिरिट सोसाइटी भी है जो लगातार इस काम को लड़ती है, क्योंकि घरेलू कामगार में आपने